हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि सब खैर वाफियत से होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। सबकी दुआओं से मोहब्बत से प्यार से मुझे चुपके से चुपके क्या कर रहे हो? चुपके चुपके क्या कर रहे हो? चुपके चुपके है खेलिए कर रहे हो मम्मा के पास? चल गुड्डी, मम्मा का जानी बेटा, जानी बेटा, ये जानी बेटा। चले जी, जोहा ने सुबह से ना मेरे समय दरकार, कल बर्थडे थी तो मैं आज पूरा दिन ना मैं पार्लर भी नहीं गई। मेरी तबीयत थोड़ी सी अभी अब निकल रही हूँ पार्लर के लिए ना, शाम में पूरा दिन गुजार दिया मैंने। मेरी आंखों में मेरी तकलीफ हो रही थी, आंखें सूज रही थी थोड़ी सी मेरी, और नींद ही पूरी नहीं हुई थी रात में। तो रात में हम लोग जागे थे इसलिए ना तबीयत थोड़ी सी खराब हो गई थी, सर में इतने दर्द थे। तो मैंने अभी थोड़ा हर चाय पीती नहीं हूँ, लेकिन मैं चाय मंगवाऊंगी, थोड़ी सी पीऊंगी चाय ना, सर बहुत दर्द हो रहा है। सुबह से सुबह ने दिमाग खराब किया, उठ के बैठी है, गिफ्ट खोलो गिफ्ट खोलो गिफ्ट खोलो। वो पता है बच्चों की जब बर्थडे होती है ना, बस उनका बस यही काम होता है कि मेरा गिफ्ट खोल के दिखाओ किसने क्या क्या दिया है, किसने क्या क्या दिया है। तो मैंने कहा भाई अच्छा, तुम्हारे गिफ्ट की अनबॉक्सिंग भी करते हैं और साथ में अपने जो हमारे प्यारी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली है उनको भी दिखाते हैं कि किसने क्या दिया है। ठीक है, काफ़ी सारे से आए थे पार्लर की तरफ से लिफाफे आए थे। जो मेरी पार्लर की जितनी लड़कियाँ हैं उन सब ने लिफाफे दिए थे, एक लड़की ने गिफ्ट दिया था, बाकी सब ने लिफाफे दिए। ठीक है, और मेरे एक दो रिश्तेदार आए थे, उन्होंने भी लिफाफे दिए हैं। और मेरी एक छोटी बहन आई थी महक, जो हैदराबाद से आई है। नहीं करो बेटा, ख़राब हो जाएगी सारी पैकिंग। तो उसने भी लिफाफा दिया क्योंकि वो बहुत है ना अर्जेंट बेस पे आई थी, तो उसने कहा आप खुद गिफ्ट ले लिए। तो काफ़ी सारे लोगों ने वो दिए हैं लिफाफे। तो अब ये कि जो लिफाफे आए उनमें से जोहा की मैं कोई अच्छी सी चीज़ बना दूंगी। मैं सोची इसकी ना इतने पैसे आ गए हैं कि ना मैं इसकी गोल्ड की ना कुछ बना लेती हूँ, एयरिंग्स वगैरह का। इतने पैसे आ गए हैं माशाल्लाह से ना, तो इसकी कोई गोल्ड की चीज़ बना लेती हूँ, क्योंकि इसकी 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 ही बर्थडे के पैसे तो इसकी ही चीज़ आ जाए। तो ये छोटी चीज़ें ना बनती रहती है तो बच्चों के आगे काम आती है। मेरी कोशिश ये होती है कि ऐसे जो अगर इसके बर्थडे पे हमेशा इतने पैसे आ जाते हैं कि मैं एक छोटी छोटी चीज़ ना गोल्ड की लेके रख लेती हूँ। ठीक है, तो मैं अभी भी लेके रख लूँगी तो इसके बाद काम आ जाती है। बच्चे जब बड़े, पता नहीं बच्चियाँ जब ना इतनी जल्दी बड़ी होती है पता भी नहीं चलता, तो जब वो बड़ी होती है तो उनके पास काफ़ी सारा सामान होता है और माँ को भी भारी नहीं पड़ता, क्योंकि थोड़ा 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 बनाते रहते हैं ना। तो और ये चीज़ ऐसी है, इसमें सेविंग भी काफ़ी रहती है गोल्ड में ना। कभी ऐसा अल्लाह ना करे कोई आड़ा वक्त ऐसा आता है तो इंसान अपने घर से ही चीज़ निकाल लेता है, किसी से मांगने की जरूरत भी नहीं पड़ती है अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि मैंने जब इमाम गुरु वाला घर लिया था तभी मैंने अपना काफ़ी जेवर निकाला था। ठीक है, और जब उसको बनवाया था तभी मैंने काफ़ी चीज़ें ली थी। ऐसी काफ़ी चीज़ें जरूरत पड़ती है, इंसान अपने घर से चीज़ें निकाल लेता है। आपको दिखाते हैं फिलहाल अपना गिफ्ट, जैसे आप जोहा ने पूरा फैला के बैठी हुई है, मैं इतना दिखाऊंगी नहीं, इसको चैन नहीं आएगा। चलिए, ये सूट जो है ना ये अम्मी ने दिया है, ये सूट अम्मी ने दिया है और ये गिफ्ट अम्मी ने दिया है, नानी अम्मी ने। ठीक है, और ये सूट ये दिया है, ये किसने दिया है? ये मुझे दिया। ये वो हाँ मेरी पार्लर की बच्ची है, उसकी बहन ने। हाँ ये मैंने दिया है और हाँ ये और उसने खुद ने भी वो लिफाफा दिया है। हालांकि एक ही लड़की थी, उसने तीन तीन गिफ्ट दिए, एक ये वाला, एक ये और उसने लिफाफा भी दिया जोहा को। ठीक है जी, और ये अच्छा मैं सबसे पहले दिखा देते हैं आपको, सबसे पहले दिखाते हैं कि इनके पापा ने क्या गिफ्ट दिया है। पापा ने क्योंकि सबसे पहले मैं नानी का दिखाया है, उसके बाद पापा का दिखाते हैं। इनके पापा ने दिया है इनको ये ड्रेसिंग टेबल, ये जी देख रहे हैं आप, ये ड्रेसिंग दी है इनके पापा ने इस तरह की। इसको हम सेट करेंगे, एक और भी था ना इसके साथ। हाँ हाँ दिखा रहे हैं, एक इसकी ये दिया पापा ने और एक पापा ने ये मेकअप सेट दिया है, ये पापा ने मेकअप सेट दिया। ठीक है, ये दो चीजें इसके पापा ने दी है। अच्छा भाई मेरे ये दिया, अभी दिखाओ मेरे एक ये दिखाओ, ये पापा से बात कर, ये दिखाओ पहले। हाँ चेन चेन करा दी थी इनको मैंने, ये बटरफ्लाई वाली चेन भी दी है ये वाली, और ये इनका मैंने वो दिया है डिस्पेंसर, ये देखिए ये जलता है, इसमें आवाज आती है इसमें ना, ये पूरा इसमें पानी निकलता है, यहाँ से लाइट जलती है, मुंह से बोलता है ये। ठीक है, इसमें सेल डालेंगे, इसके ग्लास भी है। अभी मैंने ये भी पहन लिया, ये मैंने दिया है भाई। ठीक है, और एक ये चेन जो है ना, कभी भी दिखाया नहीं ये चेन, इसमें लिखा हुआ है आई लव। ये चेन जो है ये इनकी एक आंटी ने दी है और इसमें भाई ने दी, भाई ने हाँ भाई ने दी है, और ये भी इनके मेरी बड़ी छोटी बहन ने दिया, ये भी तावे का। हाँ ये तो इनकी प्यार जिद कर रही थी मुझसे भी कि मुझे चाहिए चाहिए, तो ये ताहा भाई ने दिया है और ये चेन। ठीक है जी, और ये दिया है मेरी छोटी बहन ने, ओपन तो करें, जिसके मियाँ ने डेकोरेशन की है। ये पूरा सेट कहीं से दिखाया नहीं, पूरा सेट देखे सारा, पूरा किचन सेट है ये पूरा, डोल भी है सारा। मम्मा तो अभी तो ओपन तो नहीं, अभी ओपन नहीं करना है। ठीक है, हाँ, और ये दिया है, हाँ मेरी एक पाला की लड़की है साइमा, ये इसने दिया है। ठीक है, ये इसने दिया है, और ये दी है मेरी बड़ी बहन ने, हटो किचन सेट, ये दिया है मेरी बड़ी बहन ने, जो मेरी बड़ी बहन है रईसा बाजी, ये उन्होंने दिया है जोहा को। ठीक है जी, और ये मेरी पाला की लड़की उनकी बहनों ने दिया है, और ये नानी अम्मी ने सूट दिया, ये दिखाओ नानी अम्मी की चीज दिखाओ पहले,
ना सबसे कीमती चीज होती है नानी अम्मी की। दोनों बच्चों याद है नानी अम्मी को, एक ये याद है और जुहान के कपड़े लाई अम्मी। तो नानी अम्मी को पता है बड़े कपड़े आते हैं मुन्ने को, नानी अम्मी को पता है, नानी पूरा फिक्स साइज लाती है नानी अम्मी। ये नानी अम्मी लेके आई है जुहान के लिए, और मेरे जुहान के लिए मुझे तो दिखा दो सब गिफ्ट खोल ले, मैं इतना बड़ा गिफ्ट तू मुझे कोई नहीं देख रहा। जुहान इसमें से कहा चाहिए? जुहान के लिए कुछ भी नहीं लाया, एक नानी अम्मी होती है जो सब बच्चों सबको प्यार करती है, दोनों बच्चों के लाई है मेरे। नानी अम्मी अल्लाह पाक नानी अम्मी को सेहत दो, जिंदगी दो, आमीन जुम्मा आमीन, अच्छी वाली सेहत जिंदगी दो। नानी अम्मी तो मेरे बेटे की शादी देखेंगी, शादी खुशियां देखेंगी, खुशियां है ना भैया, ये होती है अम्माएं। और इस तरह के सारे लिफाफे आए थे, ये हमारी पार्लर की लड़की, कितने प्यारा दिन ये महा ने दिया है बर्थडे का लिफाफा, बड़ा प्यारा है महा, सबने इस तरह से लिफाफे दिए। जो हमारी पार्लर की लड़की है ना, रुबना बाजी हो गई और महा हो गई, सिद्रा एक लड़की तो आई नहीं थी वो प्रेग्नेंट है तो उसने भी लिफाफा भिजवाया था। फरा हो गई और फरा सिद्रा महा लुबना बाजी और फायजा, इन सब ने लिफाफे दिए। तो भाई ये थी हमारी जोहर की, अब खोल के मैं कह क्या दिखाऊं इनको, सिर्फ एक मेकअप सेट खोल के दिखा दूं आपको, क्योंकि आपके काम पर तो यही है। और वो पापा वाला नहीं, जब हम ड्रेसिंग लगाएंगे ना, जब आपकी कमर में सेटिंग करेंगे, पापा जब उसको खुल के लगाएंगे ना तब हम दिखाएंगे। अभी टाइम नहीं, पापा जाना देर हो रही है। चलो यहाँ पे जोहा अपना ना मेकअप बॉक्स खोल रही है जो पापा ने दिया है। चलो का बाचे लागू का हो जिया, का बाचे बेटी। चलो जी निकल गया। पापा का पहला गिफ्ट निकल गया, पापा का जो पापा ने दिया है। दूसरा गिफ्ट के लिए वहां से खोल के भी रख रहे हैं। चलो भाई कितना प्यारा है, इधर दिखाओ, एक मिनट इधर लाओ। चलो भाई खोले जरा, कितनी प्यारी पैकिंग है, देखो ये इस तरह से है, अभी ये इस तरह खुलेगा। यू चॉकलेट भी है, चॉकलेट भी खा लो। ये बड़ा प्यारा ग्लिटर वाले, ये देखो इसमें ज्यादा उंगली नहीं मारा, नहीं ना वो है कलर, ये देखो कलर है भाई, कलर है ये, चमक वाले कलर है ये देखो। हाँ ये देखना, ये देखो इधर ला, इधर ला इसके करीब लाओ, देखो अभी देखो, ये देखो, इधर आईज बंद करो, ये देखो ये कलर है चमक वाले, ये देखो मैंने लगा भी दिया, लाओ दूसरे हाथ में लगा दो, लाओ भाई इधर लाओ, ये देखो चमक वाले कलर है, बस देखा सारे ग्लिटर लगाया हुआ है। ये देखे और क्या क्या इसमें, ये वाले कलर है दूसरे वाले ना, ये वाले देखो उंगली लगाओ, और ये है इसकी लिपस्टिक, ये है एक मिनट छोटी छोटी लिपस्टिक देखें, छोटी छोटी लिपस्टिक है, और ये लिप बाम है, नील पेंट है, और ये क्लिप है। चलो अभी रख दो, अब शाम में आप खेलना, ठीक है। अभी उन्होंने अपना गिफ्ट खोल लिया है भाई, चले अब चले, हम लोग चले चले, बद्दू बब्बू दोषा चलो आप ले लो सारे गिफ्ट, ठीक है आप ले लो सारे गिफ्ट, आप ले लो ये डॉल से, तो मेरा बेटा खेलेगा इस डॉल से, मेरा बेटा खेलेगा और इस डिस्पेंसर से मेरा बेटा खेलेगा, सही है भाई। तो ये थे जोहा की सारे गिफ्ट, और बहुत अच्छे से बर्थडे हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे बर्थडे का खाना बहुत मजेदार था। अच्छा बर्थडे में इतनी हफड़ताफड़ी हो रही थी ना कि मैं बहुत टाइम के बाद, अब तो जैसे मेरा पार्लर स्टार्ट हुआ है ना, मैं बहुत कम बहनों से मिल पाती हूँ, तो जब गेट टुगेदर हुआ ना सब जमा हुए तो इतना टाइम ही नहीं मिला वीडियो, बस मैंने हल्के के छोटे क्लिप शूट किए थे बस, ज्यादा नहीं है क्योंकि हम लोगों ने टाइम स्पेंड किया था काफी ना, जब मुलाकात होती है तो बंदा मिलता है बातें करता है, तो टाइम हम लोगों ने काफी स्पेंड किया था, इस वजह से वीडियो मैंने नहीं बनाई। मेरा वीडियो तो रोज बनाते हैं, थोड़ा कभी कभी टाइम घर वाले आते हैं तो उनको टाइम देना पड़ता है, इस वजह से हम लोगों ने अच्छे से मिली बैठ के बातें की, हल्ला गुल्ला किया थोड़ा सा फैमिली के साथ, तो इस वजह से ना, तो मैं कहा गिफ्ट जब करेंगे तो तब हम वीडियो अच्छी सी वीडियो शूट कर लेंगे। तो ये था जोहर के गिफ्ट, आई होप कि जोहर को तो बड़े पसंद आए, आप लोग को भी अच्छे लगे होंगे। तो आप जो हमारे चैनल पे नहीं हो सब्सक्राइब कर लेना, जोहर आप बोलो भाई कि सब्सक्राइब कर दो हमारे चैनल को, लाइक कर दो, शेयर कर दो, जो न्यू आ रहे वो सब सब्सक्राइब कर दो, और प्यारे प्यारे कमेंट्स कर दो, अच्छे अच्छे कमेंट्स जल्दी शेयर। चलिए जी, आप लोगों से मुलाकात करेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, हमें दुआओं में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।